स्वागत है दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि वायरिंग कैसे हो रहा है। तो वायरिंग दोस्तों घर पे हो रहा है, जो कि देख सकते हैं दोस्तों कि जो स्लैब के लिए सरिया जो है सेटअप हो चुका है, अभी हो रहा है दोस्तों वायरिंग काम। हालांकि वायरिंग दोस्तों घर पे ही हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हालांकि पूरा प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। जहाँ जहाँ सेटअप करना है उसका सारा सेटअप दोस्तों आप देख सकते हैं कि घर पे ही सब काम A to Z हो रहा है। वहाँ पर देख सकते हैं कि भैया है, दोनों लोग सेट कर रहे हैं और ये काम दोस्तों हम लोग खुद घर पे ही कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देखते आ रहे हैं दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने को समझ में आ रहा है, सब काम घर पे हो रहा है। बाकी जो स्लेब का काम और सरिया लगाने काम जैसा सेटअप है और रूफ का काम, ये सब स्त्री लोग करते हैं जो कि ठेकेदार होते हैं, जो ठेका लिए होते हैं। तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ कैसा है प्रोसेस। अगर वायरिंग काम जानते हैं तो ये काम घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज है स्लैब का काम, तो आप देखते हैं कितना काम होता है, कैसा होता है। पूरा देख रहे हैं, सेटअप पूरा हो गया है A to Z, लाइट का भी कनेक्शन हो गया है, बस रह गया है बस ढालने का टाइम। तो अभी देखते हैं कितना टाइम ढालते हैं, अभी पूरा रिजल्ट मिलता है कैसा है कैसा नहीं है। पीछे देख रहे हैं कितना खतरनाक तरीके से पूरा सेटअप हुआ, लाइट वाइट का सबका एकदम A to Z अभी काम चालू होने वाला है। दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, 90 मिनट के आसपास वीडियो हो गया था, तो मैं सोचा कि चलो दोस्तों आपको मैं हाफ करके देखता हूँ। हालांकि आज स्लैब का भी काम था, तो दोस्तों मैं सोचा कि आपको पहले वायरिंग दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि वायरिंग का भी पूरा काम हो रहा है, एक एक रूम के लिए अलग अलग सेटअप हो रहा है जो कि देख सकते हैं। और दो मिस्त्री हम लोगों ने ऑलरेडी बुला रखा है, इसलिए क्योंकि स्लैब में लगेंगे बराबर करने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि पाइप वायरिंग का जो होता है दोस्तों, इसका अलग मिलता है सेटअप। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोगों ने वायरिंग काम किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ढलैया वाली मशीन है जो स्लैब करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटअप भी इसका हो रहा है, ढलैया मशीन का भी, और सामने जो देख सकते हैं बालू है। तो यहाँ पर ढलैया मशीन जो यहाँ पर सेटअप हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं इतने हाइट पर है क्योंकि यहीं से आएगा मसाला सीमेंट जो कि आएगा सामने से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से स्लैब हुआ। और ये देखिए भाई साहब, अपने इधर का स्लैब वाली मशीन, हालांकि आप सबके इधर ऐसे ही मशीन होती है, बस अलग अलग तरीके से होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट पर है, पूरा सेट हो चुका है यहाँ पर। ये देख सकते हैं भाई साहब, खतरनाक तरीके से यहाँ पर पूरा है सेटअप। और ये रहा भाई साहब ढलैया मशीन, हालांकि पुरानी हो चुकी है। और ये भाई साहब वायरिंग का काम जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ देख लेके यहाँ तक पूरा वायरिंग हो चुका है, सॉरी पाइप लग चुकी है। वायरिंग लगेगा बाद में, ढलैया के बाद लगेगा। और ये सिर्फ सेट हो रहा है कि वायरिंग बिछाने के लिए, ताकि आसानी तरीके से वायरिंग हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। ये देख सकते हैं खतरनाक तरीके से ये सब काम जो दोस्तों घर पे ही हो रहा है पूरा A to Z, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देख किस तरीके से दोस्तों वायरिंग काम हो रहा है। जहाँ जहाँ गड़बड़ है वहाँ वहाँ मिलाया जा रहा है, जो कि आप अच्छी तरह से देखते आ रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको हर वीडियो में दिखाया हूँ दोस्तों कि जितना हो सका दोस्तों हम लोगों ने घर पर काम किया, और बाकी जो काम नहीं हो पाया था तो मिस्त्री से काम करवाया। और ये देखिए मशीन के लिए भाई साहब, देखिए सेट कर रहे हैं लोग। ये देखिए ऑयल वगैरह सब डालेंगे इसमें, ये देखिए डीजल डालने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं खतरनाक तरीके से। अब उसके बाद आधे घंटे के बाद जो है ढलैया काम चालू हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब सेटअप और ख़तरनाक तरीके। सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग बेल आइकन के साथ, मज़ा आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये वाला नज़ारा काफ़ी ज़्यादा। वायरिंग का बहुत सही तरीके से किया जाता है, अगर सही से नहीं होगा तो स्लैब जब हो जाएगा तो वायरिंग गड़बड़ हो जाएगी, सारा मेहनत डाल हो जाएगा, जानते हैं ना। इसलिए देखिए यहाँ पर, देखिए जहाँ पर कॉलम बीम का जो सिस्टम जो है उसके हिसाब से मिलाया जा रहा है, ताकि जो लाइट कनेक्शन है जो बराबर तरीके से हो जाए और वायर अच्छे तरीके से हो जाए, जो कि कोई दिक्कत ना हो आने जाने में और लाइट खींचने में। अगर दोस्तों आप वायरिंग काम जानते हैं तो ये काम घर पे भी कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मिस्त्री बुला लेंगे तो वो आपको 2-4 हज़ार रुपये लेगा और सेट करके दे देगा। लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए ढलैया वाला सिस्टम, और ये भाई साहब ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सेंटर मिला रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो और आने वाले टाइम में मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं उधर का 2 हो चुका है, बस इधर का आधा हो चुका है, आधा बाकी है। और ये देखिए खतरनाक तरीके से भाई साहब चल रहा है प्रोसेस अपना, और साथ ही साथ ढलैया का भी से प्रोसेस आज ही है। तो इसका ब्लॉग में दोस्तों आपको मैं कल दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है दोस्तों, 90 मिनट का वीडियो है दोस्तों, तो इसलिए मैं डालने का कल डालूँगा, और हो सकता है कि कल डाल दूँगा ज़रूर से ज़रूर। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग अपने लगे हुए हैं, और इधर काम अपना चल रहा है, यहाँ पर वायरिंग काम अपना चल रहा है। ये देख सकते हैं खतरनाक तरीके से। कैसा लग रहा है अपना ब्लॉग, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? अगर ब्लॉग में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो ही जाता है, सबसे होता है, हमसे भी हो जा रहा है दोस्तों, क्या बताया जाए। और ये देखिए सेटअप चल रहा है अपना, और नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि ढलैया का भी सेटअप चल रहा है। ये देखिए भाई साहब हाइट पर चढ़े में खतरनाक तरीके से, और इधर देखिए दोस्तों पानी वानी पूरा भरा गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अपना काम चल रहा है, क्योंकि अपना काम ही चलना चाहिए साथ ही साथ, तभी जाकर मज़ा आएगा। और आज ही दोस्तों ढलैया होने वाला है, तो मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो डाल दूँगा अगले वाले ब्लॉग में। तो ये रहा भाई साहब अपना खतरनाक लोकेशन, ये देख सकते हैं कि छोटा सा रील है
जो कि मैं डालने का प्रयास करूंगा इंस्टाग्राम पर, तो हालांकि मैं यूट्यूब पर भी डाल दे रहा हूं, साथ ही साथ मज़ा आ जाएगा। और जो छोटा था दोस्तों कल वाला वीडियो लास्ट वाला, सो उसको मैं यहाँ सोच रहा आज ही कवर कर दूँ, आपको दिखाने का प्रयास कर दूँ। ये देखिए खतरनाक तरीके से भाई साहब रील्स, और इसको मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पर, जो कि देखकर मज़ा भी आ जाएगा, और नहीं मज़ा आएगा तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत लाइक आ ही जाएंगे, दो चार लाइक आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस हो जाएगा। और ये रहा भाई साहब कल का वीडियो जो कि छूट चुका था, तो ये दोस्तों जो छूटा था तो ये काला माला छूटा था, तो साथ ही साथ मैं सोचा कि आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ। और ये रहा भाई साहब सेटअप, जो कि सरिया जो होता है दोस्तों बांधने का टाइम होता है, और किस तरीके से बांधा जाता है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये वाला देखिए किस हिसाब से ये दोस्तों पूरा बांधा जा रहा है खतरनाक तरीके से। जितने स्क्वायर फीट में दोस्तों आप लोग सरिया लगाते हैं उसके हिसाब से ही आप सरिया सेट करते होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी कॉलम के लिए कितना, बीम के लिए कितना, जैसा ऐसा है सरिया। हालांकि हमारे कॉलम में जो दोस्तों बीम में जो है 6 सरिया लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं देखिए 4-4 इंच का गैप है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा रहा नज़ारा, और ये रहा दोस्तों कॉलम का सीन, ये जो कि जो कॉलम लगता है अंदर वाला, अंदर कॉलम का ही सिस्टम, जो कि बाहर बाहर दोस्तों हम लोगों ने 4 सेटअप किया है, और अंदर अंदर 4, बाहर 6 और अंदर अंदर 4। ये देख सकते हैं ये बीम का सिस्टम है, और ये रहा भाई साहब किस तरीके से दोस्तों बांध रहे हैं। ये देखिए बांधने का तरीका भी कितना खतरनाक है, मिस्त्री ही अच्छे तरीके से बांध पाते हैं, हालांकि हम लोग तो उतना अच्छे तरीके से नहीं बांध पाए थे, लेकिन मिस्त्री को देख रहे हैं तो भाई साहब हमको ये वाला पसंद आ रहा है कि कितने अच्छे टेक्निकल तरीके से भाई साहब बांध रहे हैं। ये भी टैलेंटेड बहुत खतरनाक इंसान है भाई साहब बांधने में। और इनका काम है दोस्तों सिर्फ सरिया बांधना, ये सिर्फ सरिया ही बांधते हैं, जहाँ जहाँ सैलाब का काम होता है ये सिर्फ सैलाब में जाते हैं सरिया बांधे, खुद छड़ काटते हैं, सरिया को काटते हैं, और खुद ऊपर छत के ऊपर जो है यही पूरा सरिया को पूरा सेट करते हैं और बांधते हैं, क्योंकि इनका काम अलग ही है। तो स्लैब वाले अलग होते हैं, और जो प्लाई सेट करते हैं रूफ़ वाले वो अलग होते हैं, और जो उसके बाद जो ढलैया वाले होते वो अलग होते हैं, यानी कि सबका अलग अलग काम है। लेकिन इनमें से एक का हम लोगों ने किया था, जो वायरिंग खुद पे किया था, और जो कि हालांकि आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि हम लोग खुद घर पे भी काम किए थे, तो ये तो काम दोस्तों यानी कि 60% हम लोग खुद काम कर लिए थे, 40% जो बताया था दोस्तों तो इन लोगों को काम दिया, क्योंकि हम लोग को ये काम आता नहीं है, हालांकि ये काम नहीं किए हैं, तो इसलिए दोस्तों थोड़े हेल्प लेनी पड़ी। अगर ये वाला देख ले दोस्तों तो नेक्स्ट वाला ये काम हम लोग खुद करेंगे अगर अगला घर बनेगा तो, जो कि यहाँ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, और साथ साथ ये वीडियो देखकर भी आप चाहें तो आप खुद भी काम कर सकते हैं, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में नुकसान ना हो ये ध्यान रखने बात को, क्योंकि हर काम हर इंसान नहीं कर सकता है, अलग अलग काम ही कर सकता है, क्योंकि सारा काम हम कर लेंगे तो भाई साहब हमको पूरी जानकारी तो हो नहीं पाएंगी, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती है ये काम करना, क्योंकि जिसको जो काम आता है वही कर सकता है, ये ना बात। और ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला कॉलम का सीन नहीं है बल्कि ये बीम का सीन है, कॉलम पे ही खड़ा है बीम, तो ये देख सकते हैं कि छत के ऊपर का बीम है ये, और ये अंडरग्राउंड बीम है ये देख सकते हैं। और ये रहा दोस्तों ये वाला मेन बीम है, जो कि इसको दिखाया जाएगा सामने से फ्रंट पे, ये जो देख सकते हैं ना ये वाला बीम, और ये वाला बीम जो दोस्तों ये आउटसाइड का है, बाहर साइड का यहाँ पर देखो सरिया जो है काटा जा रहा है, जो कि कल आपने इस वीडियो में आपने देखा होगा इस तरीके से सरिया काट रहे थे, हालांकि मैं इस वीडियो को मैं आप दिखा चुका हूँ तो, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के प्रयास करूँ। देखिए कितने हार्ड वर्क चल रहा है भाई साहब, सरिया काटने का तरीका ही खतरनाक है, ये देखिए भाई साहब ये तार काटेंगे, ये देखिए मारेंगे थोड़ा धड़ाम से, ये देख सकते हैं कि ये देखिए तार सरिया को ऊपर खड़ा कर दी है। चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ ढलैया वाला सीन, कल वाले ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा, आप लोग वेट करिएगा, तब तक के लिए टाटा।